दोस्तों, आपने सऊदी अरब का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस देश के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सऊदी अरब की कुछ ऐसी ही बातें लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल धीराज आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यूट्यूब वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब दुनिया के कुछ उन गिने चुने देशों में से है जहाँ का कानून बहुत ही सख्त माना जाता है। इसलिए यदि आप सऊदी अरब घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों को लेकर बहुत सख्त रहना होगा, अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या आपको बहुत भारी कीमत जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश की खास बात यह है कि इस देश में एक भी नदी नहीं है, क्योंकि इस देश का अधिकतर भाग रेगिस्तानी इलाका है, जिस वजह से यहाँ बारिश भी बहुत कम मात्रा में होती है। इस देश की सीमा एक जॉर्डन देश से लगती है, लेकिन इस सीमा की बनावट भी रोचक है। इस सीमा का आकार टेढ़ा मेढ़ा है, जो कुदरती तौर पर बना है, जिस वजह से काफ़ी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। सऊदी अरब एक बहुत ही युवा देश है, जिसकी कुल आबादी का मात्र 5% उम्र में 60 वर्ष से ऊपर है। यहाँ तक कि इस देश की अधिकतर आबादी की औसत आयु भी 24 वर्ष से कम है। यदि आप इस देश में घूमने जा रहे हैं तो आपको फोटो खींचते समय कानून का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। यहाँ पर आप किसी के पलों की तस्वीरें नहीं ले सकते, साथ ही बिल्डिंग आदि की तस्वीर लेना भी एक जुर्म है। यदि आप हर काम में बाएं हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो आपको वहाँ सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब में बाएं हाथ का उपयोग करना गलत माना जाता है। इसलिए हो सकता है आपको वहाँ अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ जाए। सऊदी अरब में यदि आप अपने पांव का तलवा या जूते की सोल किसी भी व्यक्ति की तरफ करके बैठे हुए हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के कल्चर में यह एक असभ्य संस्कार माना जाता है और ऐसी घटना को व्यक्ति अपने अपमान के तौर पर देखता है। वहाँ के लोग अपने बच्चों के नामकरण में बहुत सावधानी रखते हैं और नाम रखते समय यह ध्यान देते हैं कि नाम में कुछ ऐसा अर्थ ना हो जो उस देश की सभ्यता से जुड़ा हो। दोस्तों, ऊँटों का बिजनेस इस देश में बहुत चलता है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर कोई भी महिला साइकिल या कार नहीं चला सकती थी, लेकिन 2018 के बाद इस नियम में कुछ ढिलाई देखने को मिली है। इसके साथ ही कोई भी महिला बिना पुरुष के बाजार नहीं जा सकती है। यदि किसी महिला को इलाज करवाना है तो उसके लिए भी एक पुरुष के हस्ताक्षर किए हुए पत्र की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पुरुष महिला को फूल उपहार में नहीं दे सकता है, सिर्फ महिला ही पुरुष को फूल उपहार में दे सकती है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी इमारत है, जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। इसे किंगडम टावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।